इतिहास हमारे कल को अपने में समेटे हुए हैं। अब वो कल चाहे हमारा बीता कल हो या फिर हमारा आने वाला कल, हमारा आज आने वाले दिनों में एक इतिहास बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ और मैं हूँ स्वाति सिंह। 22 सितंबर की तारीख भारत के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि ये हमारी पुरानी जड़ों से निकलकर सामने आती है। इस बात को कौन नहीं जानता कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ कारोबार के लिए की गई थी, लेकिन भारत की धन धान्य से भरपूर रियासतों की आपस की लड़ाई और मजबूत नेतृत्व की कमी को देखते हुए कंपनी की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं जाग गईं और उसने भारत का इतिहास और भूगोल सब बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में 22 सितंबर का एक खास महत्व है। दरअसल 1599 में वो 22 सितंबर का दिन था जब लंदन में 21 कारोबारियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए कंपनी के गठन पर विचार किया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। इसके साथ ही आज ही की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे मंसूर अली खान पटौदी ने 22 सितंबर साल 2011 में आखिरी सांस ली थी। ये तो था इस तारीख का भारत के लिए महत्व। अब नजर डाल लेते हैं इस तारीख का देश दुनिया के लिए महत्व। 22 सितंबर 1792 को ऐतिहासिक फ्रेंच रिपब्लिकन कैलेंडर का युग शुरू हुआ। 22 सितंबर 1949 को सोवियत संघ ने पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 22 सितंबर 1955 को ब्रिटेन में टेलीविजन का व्यवसायीकरण शुरू हुआ। 22 सितंबर साल 2007 को नासा के एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी 7 आकृतियों का पता लगाया। 22 सितंबर साल 2013 को दो आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तानी शहर पिशावर के एक चर्च पर हमला किया। इस हमले में 78 लोगों की मौत हो गई। तो ये था 22 सितंबर का इतिहास। 23 सितंबर का इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल सनराइज न्यूज पर लगातार बने रहे। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख और एक नई घटना के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया। इतिहास हमारे